हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शांतनु गुप्ता ब्लॉग। सो अभी देख रहे हो, आज है दिवाली और अभी जो है पूरा काम हो गया और अभी हम ब्लॉग कर रहे हैं स्टार्ट। लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं और दीपावली, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। और गाइस, अभी लाइट वाइट लग गया घर में, ठीक है। तो अभी दिखाते हैं लाइट का सीन क्या है। जैसे कि अभी चलते हैं हम नीचे, नीचे आने के बाद ये घर के बाहर का सीन है कुछ। और इधर आप देख सकते हो सामने लाइट वाइट लग गई है, तो रात को दिखेगा एकदम मस्त से, अभी दिखेगा नहीं। और सामने देख रहे हो यहाँ पर मेरा जो है डॉगी है इधर, और ये देख लो सुल्तान, ये देख सकते हो। ये सुमित लेके आ गया अपना फटाका वटाका, तो फटाका वटाका जलाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं गाइस दीपावली। वो सारा सीन दिखाएंगे, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं विलेज में, ठीक है, दीपावली के दिन वो पूरा दिखाएंगे। बहुत मजा आएगा गाइस, तो बस आप लोग कंटिन्यू आज के इस ब्लॉग में बने रहिएगा, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं अपने खेत में और हमारे साथ पूरा बच्चा पार्टी जो भी है घर के, वो सारे जा रहे हैं। जाने का कारण ये है कि अभी हम लोग जाएंगे अपने खेत में, और आ गए खेत में और यहाँ आके हम लोग अपना आराम से इधर बैठ के कैंडल बनाने वाले। तो हाथ में हमारे पास ये देख रहे हो कि बैम्बो बांस है, और उधर जो चूल्हे रखे वो काटने वाटने वाले, जिसको बोलते हैं हम लोग के लैंग्वेज में ग्रासा बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी हम बनाते हैं इससे और आप लोगों को दिखाएंगे कैंडल हम लोग का कैसा बनने वाला है। सो आप लोग देखिए कैसे बनाते हैं कैंडल, क्योंकि आपको पता होगा कि आप लोग शहर में क्या करते हो, मतलब खरीदते हो कागज़ वाला और उसमें आग लगा के ऊपर उड़ाते हो, वो बहुत डेंजर होता है, जिससे कि घर वर में आग लग जाता है। लेकिन गाँव में क्या होता है, लोग इससे बनाते हैं और खुद से बनाते, खरीदते नहीं है। तो अभी चलिए बनाते हैं और आप लोग को दिखाएंगे पूरा अच्छे से। तो दोस्तों, अभी देख रहे हो जो बांस हम लाए थे उसको यहाँ पर देख रहे हो कि छोटा छोटा पीस में इसको काट लिए। अब इससे बनाने वाले हम कैंडल, लगभग 24 मतलब कि ये लगेंगे, ठीक है, ये कंपा इसको बोलते हैं हम लोग के लैंग्वेज में। तो 24 कंपा का एक कैंडल बनता है, यहाँ पर हमने 24 कर लिया। अब इसको अच्छे तरीके से बारीकी से पूरा को छीलना होगा, छील के पूरा अच्छे तरीके से इसके अंदर खद करना होता है, ठीक है, ऐसे मतलब कि इसे कट लगाना पड़ता है चाकू से, चाकू से कट लगाएंगे और इधर इधर ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ये घर बनेगा, ऐसे करके चार घर ऐसे, ठीक है, दो हो गया तीन हो गया, ऐसे करके बराबर करके चार लगाएंगे, ऐसे करके छः बनेगा, फिर जाके कैंडल तैयार होगा। तो अभी हम सारा चीज़ कर लेते हैं और फाइनली अब कैंडल बना के आपको सीधा हम दिखाएंगे। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि अभी हमने कर लिया है सारे कंपा को तैयार, ये छः बनते, एक दो ये तीन और ये चार और पाँच और ये छः। अब इससे हम कैंडल बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके जोड़ना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके रख के जोड़ना पड़ता है, ठीक है, और ऐसे करके बन जाएगा हमारा कैंडल। तो अब इसको बांध लेते हैं, बांध के अब दिखाते हैं कि कैसा बनता है हमारा कैंडल दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं इसको दोस्तों। फाइनली मतलब 3-4 घंटा के मेहनत के बाद हम लोग का जो कैंडल है वो फाइनली रेडी हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यार बनाने में, इसको पूरा अच्छे तरीके से काटो वाटो यार, धागा लगाओ फिर लगाओ, बहुत मेहनत है। अब ये तो ऐसे अभी देख रहे होगे नंगा है, ठीक है, अब इसके ऊपर जो है ना ये पेपर लगाएंगे, ठीक है, अच्छे तरह से, फिर देखोगे ना तो बहुत मस्त लगेगा देखने में। तो गाइस फाइनली हमारा जो कैंडल है वो रेडी हो गया, इस पर जो भी पेपर था हमने लगा दिया, बताना अब ये कैसा लग रहा है। अब इस कैंडल को भी हम अपने छत पे ले जाएंगे और एकदम बांस लगा के एकदम ऊपर कर देंगे कि सबसे ऊंचा लगे देखने में एरिया में, और इसमें दीप रखेंगे। तो यहाँ पर नीचे में पेपर डाल दिया, मतलब कूट जो है ना वो डाल दिए, जिससे कि वो दीप इसके अंदर अच्छे से आ जाए और आराम से दीप इसके अंदर जले। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला, लगभग 4-5 घंटे लग गए गाइस पूरा बनाने में, अभी 12 बजे से लगभग 5 बज गए इसी को बनाने में। अब बना लिया हूँ, अब सारा काम हो गया, अब फ्रेश होंगे और जो भी होता है मतलब यहाँ का रिचुअल्स वो दिखाएंगे। ये भी एक तरह से रिचुअल्स है, मतलब यहाँ पे बच्चे लोग इसके साथ मतलब बनाते हैं, खेलते हैं, इसमें दीप जलाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का रिचुअल्स है। बाकी और भी चीज होगा, वो सारी चीज आपको हम दिखाएंगे गाइस। तो फाइनली दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ पर जो कैंडल है उसमें मतलब पूरा सेट कर दिए बांस से। अब इसको रस्सी को खींचेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और इधर दीप जला देंगे रात को। और दीप जलाने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे खींचेंगे जैसे कि देख रहे हैं ऊपर जा रहा है। ये टेक्निक है गांव में, मतलब लोग बहुत करते हैं ये वाला टेक्निक अजमाते हैं। और हमारा जो देखो कैंडल है कैसे ऊपर जा रहा है, कैंडल ऊपर चला गया मेरा दोस्तों, आप देख रहे हैं, ठीक है, इधर दिखाओ। अब कैंडल ऊपर जाने का सिंपली अब हमको यहाँ पे ऐसे करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको इसमें बांध देंगे इस वाली रस्सी को जो है, फिर हमको नीचे लाना होगा, फिर इसको यहाँ से छोड़ेंगे, धीरे धीरे कैंडल हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, बहुत मस्त तरीका है। और सारा मतलब इधर जितना भी छत है ना, सब छत पे ऐसे करके अपना अपना कैंडल लगा रखा है,
तो अभी हम इसको बांध देते हैं, फिर दीप जलाएंगे तो फिर दिखाएंगे कैंडल कैसा लग रहा है देखने में। और अभी जो है बहुत सारा काम है, तो अभी तो काम कर करके थक चुके हैं, तो आप फ्रेश होंगे, शाम का टाइम भी हो चुका है, उसके बाद दिखाएंगे यहाँ का दीपावली और सब कुछ। देखो शाम हो चुका है और अभी हम रेडी हो चुके हैं पूरे अच्छे तरीके से नहा धोवा के, और अभी समय है दीप जलाने का। ठीक है, तो बाहर अभी लाइट वाइट जल गया है, लेकिन अभी दीप की तैयारी हो रहा है। तो जैसे कि इधर हमारा है पूजा रूम, जैसे कि आप देख सकते हो, और इधर जो है मतलब भाभी दीप लगा रही है पूरा। अभी दीप पूरा अच्छे तरीके से मतलब इसमें मतलब तेल वेल जो भी होता है वो डालने के बाद फिर इसको जलाकर और हम लोग अपने द्वार पे लगाएंगे, सारे जगह पे लगाएंगे, घर के सारे जगह पे। ठीक है, तो वो सीन दिखाएंगे। अभी चलते हम अपने घर से बाहर और आगे का सीन आपको दिखाते हैं कि घर के सामने का नजारा क्या है। यार पूरा लाइट आपको दिखेगा, मजा आ जाएगा। और सारे बच्चे रेडी हो गए और फटाका वटाका लेके, ये देखो रेयांश को फटाका फोड़ने के लिए सामने क्या कर रहा है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं गाइस सामने क्या है नज़ारा हमारे घर का। तो ये आप देख सकते हो क्या ही मस्त लग रहा है गाइस, आप पूरा नज़ारा आप देख सकते हो हमारे घर का। ये सामने का लाइट है और ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप बताना कैसा लग रहा है। बाकी अभी हम लोग पटाखा जलाने वाले हैं, बहुत चीज करने वाले हैं, तो वो सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, सो अभी आप लोग देख सकते हो सुमित क्या क्या है तुम्हारे पास। ये देखो बीड़ी पटाखा ले रखा है, और ये आप देख सकते हो ये कौन सा छुरछुरी है। तो ये और भी मतलब कि फटाका है, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। कंटिन्यू आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा, और आपको वो भी दिखाऊंगा मतलब कि घर में पूजा जो होता है वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो बस आप लोग कंटिन्यू देखो ब्लॉग को और इंजॉय करो गाइस। अभी हम छत पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो दीप है। अभी दीप लेके आए यहाँ पर, अभी सामने हमारा कैंडल है, सब कैंडल में दीप जला दिए। अभी हम भी जा रहे हैं अपना कैंडल में दीप जलाएंगे। छत पे अभी अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि अभी इधर दीप नहीं जलाया, अभी इधर भी दीप जलेगा, पूरा उजियारा हो जाएगा आज। ठीक है, इधर भी अभी देखिए मेरा कैंडल बहुत ऊपर है, आप देख सकते हो हमारा ये कैंडल ये रहा। अभी इसको नीचे लेते हैं और इस दीप को जो हम डालते हैं उसमें, दीप हमने ये ले लिया है, अभी इस कैंडल के अंदर डाल देते हैं अच्छे से। और इसके अंदर डालने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे। तो चलिए ऊपर भेजते हैं, इसके अंदर कुछ चल चुका है दीप, अब इसको हम क्या करते हैं ऊपर भेजते हैं गाइस। अब ऊपर ये जाएगा, ठीक है, तो चलिए ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं। अब इसको दीप लगाना स्टार्ट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि अभी हम अपने घर के पास दीप लगा रहे हैं, और इधर आप देख रहे हैं ये सारे मतलब लोग घर के जो भी है वो दीप लगा रहे हैं एकदम मस्त से। और इधर देख लो आयांश बाबू को, इधर भोलू लगा रहा है दीप। अभी दीप लगाते फिर दिखाते इधर का पूरा नजारा। फाइनली दोस्तों हम लोग ने पूरा अच्छे तरीके से दीप को लगा दिया। आप यहाँ पे दीप का सीन देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख लो, ये चारों तरफ हमने लगा दिया यहाँ पे दीप और अगरबत्ती। ठीक है, तो ये सारे चीज, और ये नज़ारा देख सकते हो उधर गांव का, और ये सामने इधर दीप है और इधर लग गया है, बाकी घर के अंदर भी दीप जल रहा है। और इधर आप देख सकते हो आयांश, ए हाई कर दो, हाई कर दो, हाई कर दो, हाई करो। तो अभी चलते हैं अंदर और अंदर का सीन दिखाते हैं गाइस। पूरा मतलब कि घर खुशबू से महक रहा है, पूरा में दीप जल रहा है, अगरबत्ती जल रहा है। तो ये सीन आप देख सकते हो, सारे गेट के पास दीप लगता है, ये पूरा घर का सीन। और ये कुहू को देख लीजिए, कुहू इधर देखो, इधर देखो, खत्म हो गया, खत्म हो गया, बाजा वाजा चल रहा है, पूरा एंजॉय हो रहा है। अभी पूजा पाठ होगा तो पूजा पाठ भी दिखाएंगे गाइस, बस कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा आज के इस ब्लॉग में। तो ये एक प्रकार का रिचुअल्स है जो कि गांव में होता है, जिसमें कि लक्ष्मी को बुलाया जाता है और जितने भी दरिद्र होते हैं उसको घर से बाहर भेजा जाता है। तो ये एक रिचुअल्स है जो कि सब बहुत मज़े से करते हैं, और इसको घर में करने के बाद बाहर निकालते हैं, उसके बाद जो भी बंदा लेके जाता है वो बहुत मज़े से इसको बाहर खेलता है, इसके साथ मतलब नचाता वचाता है, फिर इसको जाके फेंक देता है एक जगह पे खेलने के बाद। ठीक है, तो अभी सारे लोग खेल रहे हैं, ये भाई खेल रहा है, फिर हम खेलेंगे, जितने भी लोग होंगे सब खेलते हैं। हो गया अभी पूजा पाठ का, तो यहाँ पर आज गणेश और लक्ष्मी की पूजा होता है, जैसे कि आप देख सकते हो इधर ये पूरा प्रसाद और साथ जो भी वो चढ़ा हुआ है, इधर कॉपी किताब रखते हैं उस पर प्रसाद चढ़ते हैं। और इधर ये देख लो चूचू का मतलब ये है, ये मतलब कि देती है, ठीक है, किसको के देती है रे, भाई को देती है ना, भाई को देती है और पैसा लेती है ये देने का। ठीक है, तो ये अच्छा कमाने का टेक्निक है इन लोग के पास। और अभी पूजा पाठ हो गया स्टार्ट और अब खत्म होगा, उसके बाद वो देगी सबको खाने के लिए, फिर हम लोग अभी जा रहे हैं फटाका छोड़ने का। टाइम हो चुका है फटाका फोड़ने का, यहाँ पर सारे फटाका फोड़ रहे, ये देख लो ये मेरे पास,
और इधर देख रहे हो ये भाई, और इधर चुच्चू लोग और सारे लोग अभी फटाका, मतलब फोन वाले भी दिखाते पूरा जो जो फटाका मेरे पास है सब छोड़ के दिखाएंगे। तो इधर देख रहे हो गाइस, ये सीन इधर का। अभी कितनी अभी नचाते हैं, देखते हैं कैसा आता है। चलो लगाओ इसमें, लगाओ आज। ये देख रहे हो चुरचुरी का मजा ले रहे हैं। ओ भाई साहब गुड़ भी जल रहा है, ये देखो आह क्या मजा आ रहा है। ठीक है, और बहुत सारे पटाखे मेरे पास आए हैं, वो सारे पटाखा फोर के एंजॉय ले रहा हूँ। और ये देखो और सामने ये देख सकते हो सारे का नजारा। और यहाँ पे रॉकेट फोड़ने वाला है भाई, तो अभी रॉकेट फूटेगा सब कुछ आपको दिखाता हूँ। भाई सारे लोग पटाखे का बहुत ज्यादा मजा ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गांव का नजारा कुछ यहाँ पे, सारे लोग और मेरे घर के आसपास का लोग। और उधर भाई बम फोर रहा है, देख रहे हो कितना बड़ा सा है। अभी आवाज देखना कितना करता है। ओ भाई साहब ये देखो बम का क्या आवाज था यार, मजा आ गया। चटाई बम, और अभी इस चटाई बम को बिछाने वाले और पूरा एरिया में धमाका मचाने वाले हैं। अभी देखना मजा आ जाएगा, बहुत लंबा है। अभी लगाते बिछाते फिर दिखाते फोर के दोस्तों। हमने पटाखा को बिछा लिया, जैसा कि आप देख सकते हो इसकी लंबाई कितनी है। और अभी चलिए आग लगाते हैं इसमें। पूरा एरिया धुआं हो गया, आपने देखा। ठीक है, मजा आ गया पटाखा फोर के। अभी भाई फोड़ने वाला है स्काई शॉट पटाखा, तो आप देख रहे हो सामने ये, और इधर है स्काई शॉट, और ये देख रहे हो अभी जलाने वाला है। देखते हैं कैसा मतलब कि जलता है ये, और ये ऊपर में जाएगा आकाश में। अभी वो टाइम आ चुका है जिसमें कि चुच्चू और जो कू है वो पैसा कमाने के लिए यहाँ पर बैठ गई है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों बैठ गई है, और इधर पैसा देने के लिए इनके भाई लोग, ये देखो पैसा निकाल के है। और इधर अयांश भी था, भाग गया। ठीक है, चलो रे दो, जल्दी से दो इसको, और पैसा लो तुम दोनों, जल्दी जल्दी दे दो। चलो पैसा दो। क्या गाइज है, ए उसी को दिया, चिच्चू को दो, चिच्चू को ले, चिच्चू माला माल हो गई है। यहाँ पे देख रहे हो बस यही रिचुअल्स करने का पैसा ले लेता है भाई लोग से ये बहन लोग। फाइनली ये रिचुअल्स खत्म हो गया, आप खाना पीना का टाइम है, खाना पीना खाते गाइस। हुआ कि मेरे पास गौ माता भी है, तो सबसे पहले दीपावली के दिन गौ माता को खाना दिया जाता है। तो अभी मम्मी जा रही है आगे की ओर, अभी खाना लेकर, और गौ माता को भी खाना खिलाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी गौ माता को, और उनको खाना खिलाना है वो भी। ठीक है, तो ये हमारे घर के पीछे अपने गौ माता को रखते हैं, उनका एक अच्छा सा घर बना रखा हूँ। अब देख सकते हो इधर, जैसा कि ये आपको दिखेंगे, ये सामने मेरी गौ माता है, और इधर मम्मी खाना लेकर आ गई है, और ये आप देख सकती है आप, तो ये देख सकते हो आप लोग गौ माता की पूजा हो रहा है। और पूजा होने के बाद अब इनको खाना मिलेगा, और ये अभी खाना खाने वाले हैं। ठीक है, तो इनको खाना मिल गया और अब ये खाना खाते हैं। अब हम लोग निकलते हैं अपने घर पे, और वहाँ पे पूजा पाठ तो हो ही गया है, अब हम भी लोग खाना पीना खाएंगे। टाइम हो चुका है खाना खाने का, और हमारा जो खाना है यहाँ पर आ गया है। और ये आप खाना देख सकते हो, चावल दाल पूरी है, और इधर खीर है। ठीक है, और इधर दो सब्जी है, और ये मतलब इधर चॉप बहुत सारे। ठीक है, तो अभी खाना खाते हैं, खाना खा के आप लोग से फिर मिलते हैं गाइस। फाइनली दोस्तों अभी रात के 11 बज रहे हैं, और फाइनली अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग बताना कि आज का ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, और जितना हो सके इस ब्लॉग को आप लोग शेयर करना। मिलते हैं मेरे दोस्तों एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।